हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एक्सरसाइज 4.5। 4.5 एक्सरसाइज में हमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। अभी तक हम चार एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, उनमें हमने क्या सीखा, लाइन सेगमेंट्स के बारे में सीखा है, कॉमन एंगल्स के बारे में सीखा है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में सीखा है। और जैसे कोई भी दो एंगल ड्रॉ करो जिसमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन है या दो पॉइंट कॉमन है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, कर्व्स के बारे में पढ़ा है, पॉलीगन के बारे में पढ़ा है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, ये है हमारी एक्सरसाइज 4.5। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल कितने साइडेड होता है, फोर साइडेड होता है। क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, फोर साइडेड होता है और उसके अंदर फोर एंगल्स होते हैं। ठीक है, फिर क्वाड्रिलेटरल की हमारे पास कई कंडीशंस आते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन है। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका हमें रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ इट्स डायगनल नेम देम, और उसके जो डायगनल्स हैं उनका भी नाम नोट करेंगे। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और जो इसके डायगनल्स हैं उनको जब हम मिलाते हैं तो उनका जो मीटिंग पॉइंट है, जहाँ जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं, वो पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है या क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर में। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया हमने, पी क्यू आर एस, अपनी चॉइस से हमने लिया है, कोई लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं पता हमें, हमने अपनी चॉइस से लिया है कि पी क्यू आर एस ये हमारे पास कितनी भी लेंथ के ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास अपोजिट जो वर्टिसेस हैं उनको मिलाने के लिए जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायगनल्स। जैसे अपोजिट में कौन है, पी के अपोजिट कौन है, आर। पी और आर को मिलाने के लिए जो हमने लाइन ड्रॉ की उसको हम क्या बोल देंगे, डायगनल। इसी तरह क्यू के अपोजिट में कौन है, एस। क्यू और एस को जब हमने मिलाने के लिए एक लाइन को ड्रॉ किया तो उसको भी हमने क्या बोल दिया, एक डायगनल। और जब दोनों डायगनल्स किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे रखा है, ओ। अब देखो ये जो पैरेलोग क्वाड्रिलेटरल है, जब हमने इसके डायगनल्स को ड्रॉ किया तो डायगनल्स को कट करते हुए एक पॉइंट आया ओ, वो पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर है या एक्सटीरियर। इंटीरियर क्या होता है, अंदर, एक्सटीरियर बाहर। अब ये पॉइंट तो कहाँ है, इसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डायगनल्स पी आर एंड डायगनल एस क्यू। डायगनल कौन कौन है, पी आर एंड एस क्यू मीट एट ओ, कहाँ मिलते हैं, ओ पे, विच इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, इनसाइड अंदर है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के अंदर आया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। Draw a rough sketch of a quadrilateral K L M N. हमें क्या करना है, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन और स्टेट, और उसके बारे में फिर हम बताएंगे क्या क्या पूछ रखा है आपको। फर्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया के एल एम एन। अब देखते हैं फर्स्ट में क्या है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स के दो पेयर बताएंगे हम। पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट के एल। के एल के अपोजिट में कौन है, एम एन है हमारे पास। के एल के अपोजिट में कौन है, एम एन। और के एन दूसरा हमारे पास ये है, के एन के अपोजिट में कौन है, एल एम। तो हम क्या लिख देंगे, पेयर ऑफ अपोजिट्स में के एल एंड एन एम और के एन एंड एल एम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अभी तो हमारे पास ये तो क्या थी, अपोजिट साइड्स थी, अब अपोजिट एंगल आ जाएगा। तो अपोजिट एंगल कहाँ कहाँ बनेंगे, एंगल एन, एंगल के, ये हमारे पास चार एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर। एंगल एन है, एंगल एन के अपोजिट में कौन है, एंगल एल। और एंगल एम के अपोजिट में कौन है, एंगल के। तो इन्हीं पॉइंट को ड्रॉ करके दिखाना था बस हमें। एंगल के अपोजिट में कौन है, एंगल एम। एंगल के एंड एंगल एम, एक पेयर ये हो जाएगा हमारे पास। दूसरा पेयर हमारे पास क्या है, एंगल एल एंड एंगल एम, ये हमारे पास सेकेंड पेयर आ जाएगा। यही दो पेयर हम ड्रॉ करके दिखा दिए। पेयर ऑफ एडजस्टेंट साइड। एडजस्टेंट साइड सबसे पहले हमारे पास आता है कि एडजस्टेंट होता क्या है। एडजस्टेंट होता है जैसे हमारे पास ये कोई भी लाइन,
इसको हम क्या बोलते हैं, एडजसेंट। एडजसेंट मीन्स जो हमने दो एंगल बनाए, ठीक है, उन दोनों एंगल्स में अगर लाइन बोल रखा है तो क्या आना चाहिए, एड साइड पूछ रखा है ना आपसे, तो हमारे पास उन दोनों में कम से कम एक कॉमन आएगी, ठीक है, कम से कम एक कॉमन साइड आ जाए। हमारे पास कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर कम से कम एक वर्टेक्स और एक साइड कॉमन है, ठीक है, और उसको हम क्या बोल देंगे, और जो वो वर्ड जो कॉमन साइड है वो हमारे पास दोनों एंगल्स के बीच में आती है हमेशा, उसको हम बोलते हैं एडजसेंट एंगल्स, पेयर ऑफ एडजसेंट साइड्स। एडजसेंट साइड्स का पेयर क्या है हमारे पास, के एल, और दूसरा हमारे पास क्या है, एन एम, के एल और एन एम। एडजसेंट साइड पूछ रखा है तो साइड हमारे पास क्या है, के एल हो गई, और दूसरे हमारे पास क्या हो गई, एन एम हो जाएगी। इसी तरह से के एल एंड एल एम, के एल आ गई और इसके साथ में कौन है, एल एम आ गई। दूसरी साइड इधर क्या था, के एल और एक सेकेंड बेटा, यहाँ आएगा के एन, के एन, ठीक है, क्या आ जाएगा, के एन। एडजसेंट साइड क्या आई, देखो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या है, के एल और के एन, और जब इधर बनाएंगे तो के एल एंड एल एम, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी एडजसेंट साइड्स। थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है पेयर ऑफ एडजसेंट एंगल्स। एडजसेंट एंगल्स, एडजसेंट मीन्स इकट्ठे एंगल जो एक दूसरे से लगते हैं। अब यहाँ पे एंगल के है, इसके एडजसेंट में कौन सा एंगल होगा, एंगल एन होगा, और एंगल के एडजसेंट में इधर क्या है, एंगल एल भी हो जाएगा, के और एल भी एडजसेंट है और के एन भी एडजसेंट है। इसी तरह एल का अगर देखते हैं तो के एल और एल एम लिख देंगे, एम का हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एम एंड एम एन, एन का क्या आ जाएगा, एम एन और एन के। इनमें से हम कोई भी दो पेयर उठा के रख देंगे, क्या क्या पेयर हैं, एंगल के एंड एंगल एन, और दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल एल एंड एंगल एम, ये हमारे पास दोनों क्या हैं, इसके एडजसेंट एंगल्स। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.5। ओके, थैंक यू।